हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश लिपिक वेतन संघ के बारे में। एक डिस्क्लेमर है उससे पहले कि यह वीडियो किसी भी तरह से किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट नहीं करती है या फिर पॉलिटिकल कोई अप्रोच नहीं बनाना चाहती है। हमारी वीडियो का मेन उद्देश्य है लिपिक क्लेरिकल स्टाफ का हित, जो मध्य प्रदेश की हर एक विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, जो मेहनत लगा के काम करते हैं, हर एक स्कीम्स को एप्लीकेबल कराने में मदद करते हैं, जो कि हाई स्किल्ड होने के साथ साथ काफ़ी उच्च वर्ग करते हैं, लेकिन उनको वेतन बहुत कम दिया जाता है। मतलब उनके जो वर्क एफिशिएंसी है, जो वो वर्क काम करते हैं या फिर जो उनका हक है, उससे कहीं ना कहीं आधे से भी कम वेतन मिल रहा है। तो बाय द वे दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं। बात ऐसी है कि मैं लिपिक वेतन संघ के संबंध में कई सारी वीडियोज आपके सामने रखा हूँ। मैं बार बार कंटेंट रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक वीडियो लाया था उसमें आपको बताया था कि 2016-17-18 टाइम पे लिपिक वेतन संघ की काफ़ी चर्चा हो रही थी, काफ़ी आंदोलन हो रहा था, काफ़ी दर्द था लिपिकों में, काफ़ी उन्होंने यातनाएं झेली हैं। तो 2018 में जब एक आदेश आया कि 2016 से 51 पदों का एक मुफ्त, उसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग ऑर्डर्स है कि सभी का ग्रेड पे बढ़ गया है, मतलब सभी का आप मान सकते हैं, सिर्फ क्लियर स्टाफ के अलावा, जो लिपिक के अलावा। लेकिन उससे पहले एक ऑर्डर आया था, मैं आपके सामने वीडियो लाया था, उसमें बताया था कि लिपिक वेतन संघ दूर कराने के संबंध में एक आदेश आया था, जो शायद अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि उसमें था लिपिक वेतन संघ के संबंध में, लिपिक सहायक ग्रेड 3 इतने साल बाद इस पोस्ट पे जाएगा, मतलब प्रमोट होके जाएगा, 5 साल बाद सहायक ग्रेड 2 बन जाएगा, इसके बाद ये बन जाएगा। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये लिपिक वेतन संघ का मुद्दा है नहीं, ये प्रमोशन का मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सहायक ग्रेड 3 5 साल बाद 2 कंपलसरी नहीं बनता है, कहीं ना कहीं आप अगर देखें कितने सारे सहायक ग्रेड 3 हैं जो आज रिटायर हो रहे होंगे, सहायक ग्रेड 3 से भर्ती हुए सहायक ग्रेड 3 पे रिटायर हो रहे हैं, ये भी हकीकत है। और दूसरी बात यह है कि समयमान वेतनमान का जो एक ढकोसला हम बोल सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा है कि लिपिकों के साथ भेदभाव की नीति है। 10 साल बाद लिपिक क्लेरिकल स्टाफ लगभग उसी ग्रेड पे पहुंच जाता है ऑलरेडी, जिसको प्रमोशन के बाद मिलेगा, सहायक ग्रेड 2 के बाद मिलेगा, तो इसका कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो आदेश आया था लिपिक वेतन संघ के संबंध में, ये लिपिकों को मिसगाइड करने के लिए था। और जो लिपिक नहीं समझ पाए होंगे इस चीज़ को, वो शायद इस बुरी नीति को हल्के में ले लिए होंगे। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आज जो है तो आज फिर से लिपिक वेतन संघ की अब मांग उठने की एक रूपरेखा बन रही है। आप जरा एक बार फिर से इस समय को ध्यान दीजिएगा कि अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 2022 है, अगले साल इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस टाइम पे ही गवर्नमेंट कोई उचित कदम उठाती है, और इलेक्शंस से लगभग 6-7 महीने पहले, तो आपके पास एक साल सिर्फ बचा है, सिर्फ एक साल। चुटकियों में बीतता है, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगता है, कुछ भी नहीं हो पाता, ये बात आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि लिपिक वेतन संघ की, तो एक और मांग उठ रही है साइमल्टेनियसली साथ ही साथ कि लिपिकों को कंप्यूटर भत्ता दिया जाए, वो भी 500, 1000, छत्तीसगढ़ में 500 दिया जा रहा है कंप्यूटर भत्ता, जो कि क्लेरिकल स्टाफ है, ताकि उनकी जो आँख की रोशनी है या फिर जैसा भी है तो वो उसका ख्याल कर सकें, अलग से उनको भत्ता दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी पुरानी मांग उठी है, जब छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल हुआ था कि मध्य प्रदेश के क्लेरिकल स्टाफ को भी एक कंप्यूटर भत्ता दिया जाए, तो पूरे चांसेस हैं कि लिपिक वेतन संघ करके एक आदेश आएगा और 100-200 रुपये पकड़ा दिया जाएगा। या फिर जो दूसरी मांग चल रही है कर्मचारी यूनियन की, तो 1000 की बात कर रहा है। तो बाय द वे, अभी जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लिपिक वेतन संघ के बारे में। लिपिक वेतन संघ ये है कि जो हमारा ग्रेड पे है उस टाइम के हिसाब से अगर जाएं, तो या फिर आज भी अगर आप देखें तो 2800 लिस्ट होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि इंसान 2800 नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच के ऐसे भी लिपिक हैं जो 2800 लाइक सोच ही नहीं रख पाते, तो क्योंकि सभी को मिक्स कर दिया गया है, हाई क्वालिफाइड टू लो क्वालिफाइड एक मिक्सचर टाइप का बना दिया गया है, तो इसीलिए बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। बकाया जो डिमांड रहेगी वो डिमांड तो चलती रहेगी, लेकिन लिपिकों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि अगर मांग अभी से नहीं उठाए तो मिसगाइड जरूर किया जाएगा। जिस तरह से उस टाइम पे इलेक्शन से एक साल पहले 2017 में एक आदेश आया था, मिसगाइड किया गया था, इस बार भी किया जाएगा, तो इस बार अब संभालना चाहिए, अब वक्त यही है। और दूसरी बात, इन फाइनल जाते जाते सिंपली बोल देता हूँ, मैं 24 घंटे लिपिक के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं एक बहुत आम इंसान साधारण इंसान में बन जाता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं रहता न जॉब से, न लिपिक से,
इस पद से, मैं कहीं भी जाता हूँ या फिर अपने डिपार्टमेंट का, अपने पद का, कहीं पे भी मैं अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जब कभी लिपिक के बारे में मैं सोचता हूँ या खुद को लिपिक मानता हूँ तो दर्द होता है कि यार इंसान के साथ इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है, कब रुकेगा। और एक और बात है कि ये बात अगर मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो किसी का विरोध नहीं है। या कई बार वर्क प्लेस पे कुछ लोग जो काम करते हैं, मान लीजिए कि या फिर उसी शहर में आसपास जो आपको जानते पहचानते हैं, तो आप कभी ये ना सोचिएगा कि आपके हक के लिए अगर बात कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कैमरे के सामने ओपनली, तो ये कोई विरोध है किसी से नहीं। अगर आप उन्हीं से बोलेंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका जो कुछ कर सकता है तो वो सरकार कर सकती है, वो आपकी पेरेंट है, आपकी अभिभावक है, आप उसी के चाइल्ड हैं, वो आपके लिए केयर करती है। तो इसलिए मैं इसके सामने पॉइंट्स उठाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हाँ, जो लिपिक एस्पिरेशंस रखते हैं तो ये बात सही है कि अगर ग्रेड पे बढ़ भी जाता है तो कोई भला नहीं होने वाला है क्लेरिकल्स का, क्योंकि क्लेरिकल एक आगे जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आने वाला है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो लिपिक के सर पे बोझ और ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। और अपेक्षाकृत लिपिकों का जो ग्रेड पे है वो ऑलरेडी कम ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जो लिपिक हैं उनका 3200 ग्रेड पे है, राजस्थान के क्लेरिकल स्टाफ 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, तो उनका वर्क क्वालिटी इन सब के हिसाब से ग्रेड पे भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के लिपिक का नहीं है और इन फ्यूचर भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए एक और है कि जो एस्पिरेशन लिपिक रखते हैं तो उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए अदर एग्जाम्स के लिए भी अपीयर होना चाहिए, और इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। बाय दोस्तों, मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, धन्यवाद।